गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आ करके जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। जी, इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री शाम में बोलते हैं कि अभी जानकारी मिली है, पता करवाते हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। जानकारी क्या चीज़ की होती है, आप तो जान ही रहे हैं सारी बात। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं, सरकार नौजवान छात्र बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा इसकी कोई चिंता नहीं है। बताइए, दो दो उपमुख्यमंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया केंद्र में? बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, यही न्यू बिहार बना रहे, यही न्यू इंडिया बना रहे। या इसका मतलब उनसे पूछिएगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है। विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।